अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरे से ठीक है यार। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं भी सो के उठा हूँ। तो मैं सोया हुआ था तो इन्होंने पीछे से प्लान बनाया जाने का नॉर्दर्न एरियाज वगैरह। वाह क्या सीन है। तो बाबा आप उठा के गए थे, कहते उठ जाओ कटिंग वगैरह करवा लो। कटिंग करवाई हुई थी हमने पहले की, क्योंकि 10 दिन ये ईद के बाल वगैरह नहीं कटवाने थे, उससे पहले की कटिंग करवाई हुई थी। तो चलते हैं, अब हम कटिंग वगैरह करवाते हैं, खत बनवाते हैं। रहिएगा हमारे साथ अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और शेयर करें। अच्छा चलते हैं यार। अब सबसे पहले टैनी कैप वाला उठाया, अब चले बाहर। ये हम लोग पहुंच गए अब इधर कटिंग करवाने, तो कटिंग करवा के फिर आपसे मिलते हैं। इधर इनसे पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो है मैम आप लोगों के कटिंग करवानी है, साथ खत करवाना है। चलो ये आ गए अब यहाँ पे इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र। ये आप नहीं बोले किस तरह आपकी कटिंग करें? हाँ जी मतलब साइड सेट करनी है, साथ बियर्ड सेट करनी है। लुक थोड़ी सी चेंज कर दूँ? हाँ चेंज करनी है। अच्छा दोस्तों, फिर कैसा लग रहा है आपका भाई कटिंग करवा के? वाओ ब्यूटीफुल। कुछ डिफरेंट लगा के नहीं? ये हमारा भी सारा सामान पड़े, अब हम निकलने लगे, तो रहिएगा हमारे साथ। कैसे हो दोस्तों? अच्छा है, रात के 11 बज गए और हम लोग निकल गए मरी के लिए। तकरीबन रहीम यार खान से मरी का बनता है 950 किलोमीटर, और ये 2 गाड़ियों पे जा रहे हैं। एक वो बाबा अपने दोस्तों के साथ है और हम लोग सारे अपने गैंग के साथ हैं। तो ये आप रहिएगा हमारे साथ साथ, हम लोग जहाँ फ्रेश मतलब होने के लिए उतरेंगे वो आपको विजिट कराएंगे रास्ते में, सारा रोड टूर इंशाल्लाह। तो इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए हमारे साथ साथ रहिएगा। ये देखें हैदर भाई जान ये फूट मारते हुए अपने दोनों मोबाइल दिखाते हुए कि इनके मोबाइल नज़र आ जाए। ये हम लोग इकबालाबाद से सी पैक पे चढ़ गए और इधर ये देखें बारिश हुई हुई है सारी रोड पे। अच्छा दोस्तों, हम लोग पहुंच गए उस शरीफ और इधर से थोड़ा सा लेंगे रिफ्रेशमेंट का सामान, फिर चलेंगे आगे। अच्छा यार ये एक जूस लेते हैं, इसके साथ कोई और चीज़ भी लेंगे। अब चलते हैं अब हम। अच्छा दोस्तों, मैंने क्विक नैप ले लिया है, हम लोग खाने वाल पहुंचने वाले हैं। ये लोग अभी सोए पड़े, ये भी हैदर भी। A few moments later. अब हम लोग पहुंच गए गोजरा। हम लोग अब टैंक फुल करवाए ने यहाँ से गोजरे से, फिर चलते आगे। यार ये अब हम आ गए इधर, इधर से लेंगे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट का दोबारा से सामान। यार ले लिए 2 ये जूस। ये तीनों खड़े हुए, इनका अभी तक फैसला नहीं हुआ इन्होंने लेना क्या और क्या नहीं लेना। ये हमने ये वाला सारा सामान ले लिया। ये हमने 3 ये चूसने वाली मशीन लिया, चुपा चुप्स लिए। यार हमने 3 ले लिया, आप लोग 2 रह गए। आप लोग ने कुछ चूसने के लिए लेना है? मेरा ये मैंने ले लिया। आपने ले लिया? तूने नहीं लेना? हम 3 ले। हम लोग हॉस्टल से निकल गए और ये हम लोग पिंडी पटना वाली मोटर पे चढ़ गए।
A few moments later. ये हम लोग इस्लामाबाद वाली मोटरवे पे चढ़ गए इस टाइम और ये सोए पड़े हैं दोनों. इधर भीरा सर्विस एरिया पे उतरे और इस टाइम सुबह के हो गए 5:55 और हम लोग इधर से फ्रेश होके आगे चलते हैं. फिर नागरा भी टिक के बैठे, शोर ना करे, बिल्कुल खामोशी से बैठने. कलर कार पहुंच गए, पहाड़ देखे हैं सारे. ये देखिए, ये फ्रंट पे भी ये सारा व्यू चेक करें बाहर का, ये कितने खूबसूरत पहाड़ है. आगे रुकेंगे तो इसको सारे को फेंकेंगे. ये खा के सारा गंद इकट्ठा करके इसमें रखा हुआ. तो ये आप देखें, ये कितना खूबसूरत व्यू है. बादलों के पीछे जो है वो सूरज छुपा हुआ है. बहुत प्यारा है व्यू लग रहा है. हम ये देखें, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है. अभी हम इस्लामाबाद पहुंचे नहीं है तो पहली बारिश शुरू हो गई है. ये देखें, ये साइड वाला व्यू देखें, ये सारा ये साइड से व्यू देखें. हम लोग मरी से 10-15 किलोमीटर पीछे, तो ये एक पॉइंट है नाश्ते का. इधर हम लोग नाश्ता करने के लिए रुके हैं और ये देखते थे कि कितने ऊपर ये पहाड़ के घर हैं. ये देखें, ये सारे घर बने हुए, नीचे से इनको चढ़ के जाना पड़ता है. तो नाश्ता करके फिर आगे चलते हैं. नाश्ता तैयार हो रहा है, देखते ताते ये तैयार हो रहा है नाश्ता. वो पराठे तैयार हो रहे हैं वहाँ पे और ये बैठे हम. ये वाला हमने रूम लिया तो चलते अंदर. वो क्या है, सारे अंदर ही लेटे हुए, डबल बेड वाला रूम है. मतलब एक ये है और अंदर से ये एक, मतलब ये रूम हो गया और एक